हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन रीट के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट कर रहे थे। स्ट्रक्चरल ग्रामर जीटीएम कर लिया अपना, डायरेक्ट मेथड कर लिया था और स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में एक वीडियो बना दिया था। सेकंड वीडियो बनाएंगे स्ट्रक्चरल मेथड में, जिसमें डेफिनेशन दी है सी एस भंडारी। देखो, सबसे पहले आता सी एस भंडारी एंड हिंगले, हिंगले एंड एस के राम, इन तीनों राइटर हुए थे, यानी जिन्होंने एक स्ट्रक्चरल मेथड पर परिभाषा दी थी। तीनों ने मिलकर एक परिभाषा दी थी, क्या? इट इज नॉट ए मेथड, यह एक मेथड नहीं है। एंड इट इज एन ए अप्रोच, यह क्या है? एक अप्रोच है, कि यह मेथड नहीं है, यह एक अप्रोच है। एनी मेथड, कोई भी मेथड कैन बी यूज्ड विद इट, इसमें कोई भी मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसी किसने कहा था? सी एच भंडारी, इंगले और एस के राम ने कहा था। क्या कहा था? कि इट इज नॉट मेथड, यह मेथड नहीं है, यह क्या है? एक अप्रोच है, जिसमें हम कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। ये बात तीन लोगों ने कही थी, सी एस भंडारी, हिंगले और एस के राम। इसके बाद में देखो, ब्रिविंटन, ब्रिविंटन एक हुआ था, जिसने स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में क्या कहा? स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए साइंटिस्टिक स्टडी। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, कैसा है? एक साइंटिस्टिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन करना है। ऑफ द फंडामेंटल, जिसका फंडामेंटल कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश, इसका स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश, स्ट्रक्चर कैसा है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में है। देयर एनालिसिस, उनको विश्लेषण किया जाता है। एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, और उनको तर्क के रूप में उनको अवेलेबल अरेंजमेंट किया जाता है। ये बात किसने कही थी? ब्रेगवेंटन ने। किसने कही? ब्रेगवेंटन ने क्या कहा? कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच कैसा है? एक साइंटिस्टिक स्टडी है, जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ऑफ द फंडामेंटल, उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें क्या आते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये बात किसने कही? ब्रेगवेंटन ने। इसके बाद में देखो, मेनन एंड पटेल, दो व्यक्ति हुए थे, मेनन एंड पटेल। ये क्या कहता है स्ट्रक्चर के बारे में? ये कहना चाहता है, स्ट्रक्चर अप्रोच इज द बेस्ट ऑन द बिलीफ दैट द लर्निंग, ये किस पे आधारित था? यानी बिलीफ ऑफ द लर्निंग, यानी अधिगम पर आधारित था। मेनन और पटेल कहते हैं इस बात को। और द फॉरेन लैंग्वेज, और जो किस भाषा को मानते थे? फॉरेन लैंग्वेज को मानते थे, यानी विदेशी भाषा को मानते थे। ये कौन मानते थे? मेनन और पटेल। ए मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज द मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ द वोकैबुलरी, ये एक रहस्य है, जिसमें स्ट्रक्चर किया जाता है, इज मोर इम्पोर्टेंट एंड देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, यानी ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त करना चाहता है? वो वोकैबुलरी का अध्ययन करना चाहता है, और उनके माध्यम से वो स्ट्रक्चर जमाना चाहता है। तो ये बात कहते हैं मेनन एंड पटेल। क्या कहते हैं? ये बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज किसको कौन मानते हैं? मेनन एंड पटेल मानते हैं। जबकि साइंटिस्टिक स्टडी और इंग्लिश लैंग्वेज कौन मानता है? ब्रेगवेंटन। कौन मानता है? ब्रेगवेंटन। ये शब्दों को पकड़ने हैं आपको। इसमें देखो, सी एस भंडारी, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, सी एस भंडारी क्या कहता है स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में? द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द इंग्लिश, स्ट्रक्चरल अप्रोच इंग्लिश में है, इज द टीचिंग द लर्नर सर्टेन स्ट्रक्चर, जो क्या बनाता है? एक सर्टेन स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? सर्टेन स्ट्रक्चर बनाता है, इज सर्टेन ऑर्डर, एक सर्टेन स्ट्रक्चर बनाता है, किसमें बनाता है? इस सर्टेन ऑर्डर में बनाता है। ये बात कौन कहता है? सी एस भंडारी कहता है कि स्ट्रक्चर मेथड वह है, जो अंग्रेजी में वह मेथड है, जो लर्नर क्या करता है? सर्टेन स्ट्रक्चर में बनाता है और एक सर्टेन ऑर्डर में इसको ठीक बनाता है। इसके बाद में सी एस भंडारी दोबारा कहता है परिभाषा, है ना, इसके बाद में क्या कहता है? सर्टेन स्ट्रक्चर, सर्टेन ऑर्डर, सी एस भंडारी। इसके बाद में सी एस भंडारी दोबारा कहता है क्या? कि द डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की उपलब्धियां करना, और द पैटर्न ऑन द वर्ड, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का शब्दों का पैटर्न बनाना, क्या बनाना? भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का पैटर्न बनाना। एंड आर बोलो स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बड़ी अच्छी परिभाषा मानी जाती है सी एस भंडारी की, कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैटर्न होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको मिला के क्या बनाया जाता है? एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, है ना। तो ये बात किसने कही? सी एस भंडारी ने। ये बहुत अच्छी बात कही। इसके बाद में देखो, सी एस भंडारी दोबारा डेफिनेशन कहते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये कहते हैं स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर हो सकता है कंप्लीट पूर्ण रूप से, अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म ए लार्ज पैटर्न, कैसे रूप में हो सकता है? एक बड़ी पैटर्न संख्या पर आधारित हो सकता है। ये बात भी भंडारी ने कह दी।
कि क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पैटर्न हम विभिन्न शब्दों से अरेंजमेंट करके बहुत शब्दों को मिला के बना सकते हैं, लेकिन ये शब्द कैसे होते हैं कंप्लीट अटेंस होने चाहिए, यानी कंप्लीट सेंटेंस पे आधारित होना चाहिए एंड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज फॉर्म फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज पैटर्न पर आधारित होते हैं। इसके बाद में अपन सीएस भंडारी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पर करेंगे, फिर इसके बाद में कुछ एडवांटेज करेंगे, है ना, इसी प्रकार अपने स्ट्रक्चर को खत्म करेंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके, जय हिंद।